हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड योगेश। आज हमारा है डे 4 और आज हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग जा रहे हैं। तो कल वाले जो पहला वाला वीडियो था मेरा, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग गुलमर्ग गए थे। तो गुलमर्ग का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट्स पे, उस वीडियो पे, इस पे नहीं, इसमें तो सोनमर्ग का वीडियो आएगा तो इसका बताइए। बाकी होटल हमने कल रात को, मतलब पिछले वाला जो व्लॉग था उसके अंदर हमने दूसरे में चेक इन कर दिया था। इस होटल का भी टूर देंगे मगर अभी थोड़ा लेट हो रहा है, तो अभी आके उसके बाद में होटल टूर आपको जरूर दूंगा। बहुत मस्त होटल है, देखने से थोड़ा थोड़ा पता चल ही रहा होगा। बाकी अभी फटाफट नाश्ता पानी हो गया हमारा, फिर फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और फिर डेस्ट पहुँच के वहाँ पर उसके बाद में आपसे बातें करते हैं। 2000 years later भाई सोनमर्ग आ गए, कैसा लग रहा? बहुत ही ठंड लग रही है, बहुत ही एक्साइटेड है जाने के लिए। अपने व्यूअर्स को दिखा दें सोनमर्ग कैसा है। बिल्कुल दिखा दिया जाए, थोड़ा एक अलग तरीके से दिखाते हैं आज। बहुत सही, दिखाइए। तो सिनेमैटिक्स लगाते हैं उसमें, देखना कैसा लग रहा है। ऐसे नहीं दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो भाई जैसे ही आप सोनमर्ग में आते हो, यहाँ पे आके आप गम बूट्स और जैकेट्स किराए पे ले सकते हो, रेंट ले सकते हो। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हर एक पॉइंट में आप जाके रेंट पे सामान ले सकते हो, जैकेट जैसा मैं पहले से लेके आया था वो मैंने सब, मतलब पहले से यूज़ कर लिया मेरा वाला, मैंने कुछ ऐसा अलग से रेंट किया नहीं, सिर्फ गम बूट्स हम लोगों ने रेंट किए हैं, बाकी सब अपना अपना पहन लिया। जैकेट्स लेके आओ तो सही है, यहाँ पे यूज्ड रहता है तो पता नहीं किसका क्या पहना हुआ है, मगर डिपेंड करता है आप पे। हाँ, अगर आप ट्रैकिंग वाले बूट्स लेके आते हो तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास ट्रैकिंग वाले बूट्स नहीं थे, स्पोर्ट्स वाले शूज़ हम लोग पैक नहीं किए थे इसलिए हमको ये लेना पड़ा। नहीं तो आप ट्रैकिंग वाले शूज़ लेके आओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है गम बूट्स की। जैकेट में से स्मेल आ रही है, स्मेल आती है, आप देख लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है, उसी हिसाब से आप लेके आए। हेलो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको स्लेज से नहीं जाना हो, शॉर्टकट लेना हो तो आपको यहाँ से जम करना पड़ेगा। वो भी दिखाना। ला भाई तो चढ़, तेरी वीडियो बना ले यहाँ से। भाई कल से बोल रहा था कि व्लॉग में आना है तो इसको व्लॉग में लेके आ गए, तो आप यहाँ से शॉर्टकट भी ले सकते हो। बाकी अगर आप स्लेज ये सब करते हैं तो आपको वहाँ से लेके आएंगे, वो उधर दिख रहे हैं उधर से, उसके कुछ चार्जेस वार्जेज हैं तो हमने उन्होंने कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस स्पीड से वो लेके जाते हैं आप आराम से पैदल चल के भी जा सकते हैं, तो कोई यूज़ नहीं है पैसे फालतू में देने का। बाकी ट्रैकिंग करोगे आप तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्यों? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, जल्दी आ जा तू भी, अब निकलना चाहिए, आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। देख सकते हैं कैसे शॉर्टकट भैया के हिसाब से, ये है ऑडी तो आप ऑडी भी ले सकते हो यहाँ पे आगे। आज मस्त धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है एकदम, ज़्यादा ठंडी लग नहीं रही है मगर फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए जैकेट पहन के चलिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कश्मीर है दोस्तों। कश्मीर में अलग अलग तरीके के पहाड़ देखने को मिलते हैं, पता है एक तरफ बर्फ़ ही नहीं है और एक तरफ देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है, काफ़ी सारी जगह ऐसी है, मतलब ऐसे ही हमको देखने को मिला कि एक जगह बर्फ मिल रही है और एक जगह बर्फ नहीं है, मगर मस्त है। I'm so sorry but I'm not able to slow down.
भाई शाम के 4 बज गए ऑलमोस्ट, हम लोग 4 घंटे यहाँ पे खेल लिए पूरे, मस्त शॉर्ट्स बना लिए, इंस्टाग्राम की रील्स भी बना ली और सबने मौज मस्ती कर ली। और हम लोग वहाँ गए थे ऊपर जो दिख रहा है ना पॉइंट, उधर से हम लोग आए हैं अभी नीचे। अभी हमको जाना है और उधर नीचे तक जाने का है अभी काफ़ी, मतलब अभी हमको 2 घंटे अभी वापस घर में जाने में लगेंगे। भाई अपन गिर के वापस खड़े हो गए, 2-3 बार गिर गया मैं बर्फ़ में, अभी ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए। गिरते लुढ़कते बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ट्राई करना कि जो हाइकिंग वाले जो बूट्स आते हैं वो पहन के आए, क्योंकि वापस बच गया। फिर जो नॉर्मल जो गम बूट्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हैं स्नो में, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया, देख रहे हो कितना ऐसे पूरा दसा हुआ है बूट्स मेरे, तो क्या उसकी वजह से स्लिप काफ़ी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी गिरना पड़ना तो लगा रहता है, गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, इसी में तो मजा है। अभी फटाक से नीचे पहुँचते फिर गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए, सुबह हम लोगों ने नाश्ता करके निकलते, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही बहुत ज़्यादा। फटाक से नीचे पहुँचते उसके बाद में आपको दिखाते आगे का क्या सीन है। भाई स्लेज में बैठ गए अपन लोग, मजा आ गया। ओ भाई अपन लोग ऊपर से नीचे तक आ गए, बहुत मजा आ गया सही में। तो आप एक्चुअली इनसे बार्गेन कर सकते हैं, हम लोग स्टार्टिंग के अंदर ये लोग 500-1000 रुपये मांग रहे थे ऊपर जाने के और नीचे आने के, मगर अभी हम लोग वहाँ से ऊपर से आए इधर तक तो सिर्फ 100 रुपये में, और हम लोग 2 जन बैठ के आए। आप बार्गेन जितना बार्गेन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा, वो आप कर सकते हो। बाकी मज़ा एक नंबर आया, हम लोग सोच रहे थे मज़ा नहीं आएगा मगर मस्त मज़ा आया, तो एक बार ट्राई कर लेना मज़ा आएगा। इसको बोलते हैं स्लेज, वो गाली वाला स्लेज नहीं, स्लेज ये भी आ गए। फाइनली अभी अपने रूम पे पहुंच गए, सब एकदम थक गए भयंकर, और मैं और प्रशांत तो गिर भी गए थे, मेरे को थोड़ा शोल्डर में लग गई और प्रशांत को थोड़ा बैक में लगी है, बाकी गिरते पड़ते सब पहुंच गए। अभी रूम पे जाएंगे फटाफट, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा देखेंगे कहाँ कहाँ लगी, अब तक पता नहीं चला कितना लगा क्या नहीं लगा, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद खाना वाना खा के फिर व्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। I'm not able to know.